बॉलीवुड के हैंडसम हंग ऋतिक रोशन के एक्स वाइफ सुजैन खान बेशक फिल्मी दुनिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन सुजैन का खबरों में बना रहना बेहद आम है। हाल ही में खबरें आई कि ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान इन दिनों टीवी के फेमस एक्टर अली गोनी के भाई अरसलान गोनी को डेट कर रही हैं। इस खबर के सामने आने के बाद सुजैन लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन खान ही नहीं बल्कि कई बॉलीवुड हसीनाएं भी तलाक के बाद नए रिश्ते की शुरुआत कर चुकी हैं। चलिए आज हम आपको उन्हीं बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने तलाक के बाद बनाए बॉयफ्रेंड। करिश्मा कपूर। अपनी नीली आंखों से हर किसी पर जादू चलाने वाली एक्ट्रेस करिश्मा कपूर का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले आता है। अपने करियर के पीक पर करिश्मा ने बिजनेसमैन संजय कपूर से साल 2003 में शादी की थी। हालांकि इनकी शादी सिर्फ 11 साल ही टिक पाई। 2014 में करिश्मा ने तलाक केस फाइल किया और 2016 में करिश्मा ने संजय से तलाक ले लिया, जिसके बाद करिश्मा का नाम संदीप तोशनीवाल से जुड़ता रहा। अक्सर दोनों के अफेयर की खबरें आती रहती है, लेकिन सच क्या है ये अभी जानना बाकी है। मलाइका अरोड़ा। बॉलीवुड की हॉट अदाकारा मलाइका अरोड़ा और एक्टर अर्जुन कपूर की लव स्टोरी की सिर छुपी नहीं है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मलाइका ने एक्टर और प्रोड्यूसर अरबाज खान से शादी के करीब 19 साल बाद रिश्ता खत्म करके तलाक लिया था। अरबाज से तलाक होने के बाद मलाइका अर्जुन के साथ इश्क में पड़ गई। ये दोनों बॉलीवुड के ऐसे कपल हैं जो सोशल मीडिया पर हमेशा छाए रहते हैं। मलाइका 18 साल के बेटे की माँ हैं और अर्जुन से उम्र में 12 साल बड़े हैं, लेकिन इनकी प्रेम कहानी में उम्र मायने नहीं रखता। कल्कि कोचले। बॉलीवुड एक्ट्रेस कल्कि अपनी एक्टिंग के लिए तो चर्चाओं में रही हैं, साथ ही साथ अपनी पर्सनल लाइफ के चलते भी सुर्खियों में रही। कल्कि ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप से शादी की थी, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। 2 साल में ही दोनों 2015 में अलग हो गए, जिसके बाद से ही कल्कि बॉयफ्रेंड गॉय हर्षबर्ग के साथ रिलेशनशिप में हैं। इस कपल ने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन ये दोनों एक बेटी के माता पिता बन गए हैं। इस कपल ने अपनी बेटी का नाम सोफे रखा है। दिया मिर्जा। एक्ट्रेस दिया मिर्जा का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है। दिया मिर्जा की पहली शादी भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी थी। दिया की पहली शादी साल 2014 में बिजनेसमैन साहिल संघा के साथ हुई थी, लेकिन आपसी मनमुटाव के चलते शादी के 5 साल बाद दोनों ने 2019 में तलाक ले लिया था, जिसके बाद अब दिया ने 15 फरवरी को बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड वैभव रेखी के साथ शादी रचाई है। 39 साल की उम्र में दिया ने दूसरी शादी रचाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।